दोस्तों आपने गधे और घोड़ों को नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश अरोड़ा और आप सभी का स्वागत है माय इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपने कुत्ते और घोड़ों को तो सरकारी नौकरी करते हुए देखा ही होगा, लेकिन आज पहली बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसे लंगूर की कहानी जिसने ना सिर्फ 9 साल तक रेलवे में सरकारी नौकरी की है बल्कि अपने नाम काफी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किए हैं। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया जानते हैं। दोस्तों ये कहानी है साउथ अफ्रीका के पास एक स्टेशन इंटेन की। इस स्टेशन पर एक सिग्नलमैन जेम्स वाइल्ड काम किया करता था। जेम्स था तो उस रेलवे का कर्मचारी, लेकिन उसको एक गंदी आदत थी। जब भी दो रेलगाड़ियां गुजरा करती थी वो उन दोनों रेलगाड़ियों के बीच में स्टंट दिखाया करता था। जेम्स की इसी आदत की वजह से लोगों ने उसको जंपर का नाम दे दिया था। दोस्तों एक दिन ऐसा ही स्टंट दिखाते हुए जेम्स एक रेलगाड़ी के नीचे आ जाता है। फॉर्चुनेटली जेम्स की जान तो बच जाती है, लेकिन उसके पैरों का घुटने से नीचे के भागों को काटना पड़ जाता है। अब घुटने के नीचे के भाग कटने के बाद जेम्स की सरकारी नौकरी खतरे में आ जाती है। दोस्तों अब जेम्स को अपने घर से स्टेशन तक जाने में भी कठिनाई होने लगी। हालांकि उन दोनों के बीच की दूरी सिर्फ आधा ही किलोमीटर थी, लेकिन जेम्स को अब इस दूरी को तय करने में काफी परेशानी होने लगी। जेम्स ने बाद में अपने लकड़ी के पैर तो लगवा लिए, लेकिन अपने सिग्नल मैन की नौकरी को कंटिन्यू करने के लिए उसको एक सहायक की जरूरत थी। एक दिन जेम्स पास ही के कस्बे में कुछ सामान की खरीदारी करने के लिए जाता है। वहां वो देखता है एक बैलगाड़ी को, और उस बैलगाड़ी को हांक रहा होता है एक लंगूर। उस लंगूर को देखकर जेम्स को लगता है कि काश ये लंगूर अगर उसके पास आ जाए तो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो जाएगी। जेम्स उस बैलगाड़ी वाले इंसान के पास जाता है और उससे आग्रह करता है कि वह उस लंगूर को बेच दे। बैलगाड़ी वाला इंसान इतने होशियार लंगूर को बेचने के लिए कतई राजी नहीं था, लेकिन उसके बाद उसकी नजर जेम्स के पैरों की तरफ गई। दोस्तों जैसे ही उसने जेम्स के कटे हुए पैरों को देखा उसको जेम्स के ऊपर दया आ गई और उसने अपना लंगूर जेम्स को बेच दिया। दोस्तों उस लंगूर का नाम था जैक, और जैक वास्तव में काफी होशियार था। अब जैक धीरे धीरे जेम्स की रोजमर्रा के कामों में मदद करने लगा, जिससे जेम्स की जिंदगी काफी आसान हो गई। अब धीरे धीरे समय बीता, जैक जेम्स की गतिविधियों को देखकर नई नई चीजें सीखने लगा। अब हालात ये हो गई कि जैक जेम्स के इशारे पर ट्रैफिक सिग्नल को अप और डाउन करने लगा। धीरे धीरे जैक इतना निपुण हो गया कि वो एक परफेक्ट सिग्नलमैन बन गया। अब हालात ये हुई कि जेम्स केवल एक कोने में बैठा रहता था और जैक को इशारा देता था, और जैक उस इशारे को समझकर उसी हिसाब से ट्रैफिक सिग्नल को अप और डाउन किया करता था। और दोस्तों अब धीरे धीरे समय और बीतने लगा और जैक धीरे धीरे और ज्यादा निपुण होने लगा। अब उसे जेम्स के इशारों की भी जरूरत नहीं थी। जैक रेलगाड़ी की सीटी को सुनकर अपने आप ही ट्रैफिक सिग्नल को एडजस्ट कर दिया करता था। अब ये बात बिल्कुल स्वाभाविक थी कि अगर आसपास ऐसी कोई घटना हो तो इस बात को आप ज्यादा दिन तक छुपा नहीं सकते। जैक एक लंगूर है और वो स्टेशन पर ट्रैफिक सिग्नल वाले का काम कर रहा है। इस बात को आस पड़ोस के गाँव में फैलते हुए देर नहीं लगी। अब कुछ लोग तो जैक को ये देखने आते थे कि जैक आखिर एक लंगूर होकर इतना अच्छे से काम कैसे कर सकता है, तो कुछ लोगों को इसके ऊपर काफी आपत्ति थी। स्वाभाविक भी है, अगर आप लंगूर को कोई ऐसी जिम्मेदारी का काम देंगे तो कभी ना कभी वो गलती कर सकता है, और जिसका खामियाजा रेल दुर्घटना हो सकती थी। अब उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने रेलवे अधिकारी को इस बात की खबर कर दी। रेलवे अधिकारियों की जब जांच हुई तो उन्होंने ये देखा और इसको बहुत गलत पाया। इसके बाद उन्होंने जेम्स को तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर लिया। अब जेम्स और जैक दोनों ही बेरोजगार हो चुके थे और काफी परेशान थे। लेकिन दोस्तों जेम्स को अपने लंगूर जैक की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, और इसीलिए जेम्स ने रेलवे अधिकारियों के सामने ये रिक्वेस्ट की कि वो एटलीस्ट एक बार जैक का टेस्ट लें, और अगर जैक उस टेस्ट में फेल हो जाता है तो जैक को बर्खास्त कर दिया जाए। अब दोस्तों इसको चमत्कार मानिए या कुछ, रेलवे अधिकारी इस बात के लिए राजी हो गए। अब दोस्तों जहां पर इंसान को एक टेस्ट पास कराने के बाद जॉब मिल जाती है, वहीं जैक के सामने ये रखा गया कि जैक को 3 बार अलग अलग टेस्ट देने हैं। यानी कि बात साफ है कि लंगूर को अपनी काबिलियत सिद्ध करने के लिए इंसान के बदले में 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी और सटीकता दिखानी होगी। अब हैरान करने वाली बात यह थी दोस्तों कि जितनी बार जैक का टेस्ट लिया गया, जैक ने एक भी गलती नहीं की। पहली बार जैक ने अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड उसी दिन लिखवाया था।
इसके बाद जैक की सटीकता को देखते हुए रेलवे अधिकारियों ने जैक को ट्रैफिक कंट्रोलर की जॉब ऑफर कर दी। उस दिन जैक इस दुनिया का पहला वो लंगूर बना जिसने आधिकारिक तौर पर रेलवे में सरकारी नौकरी करना शुरू किया था। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद भी जैक ने काफी वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए। जैक ने लगातार 9 साल तक रेलवे में सरकारी नौकरी की। इन 9 सालों की अवधि में जैक ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। साथ ही इन 9 सालों की लगातार नौकरी में जैक ने अपने पूरे कार्यकाल में एक भी गलती नहीं की। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि जैक को उस समय 20 सेंट प्रति माह की पगार दी जाती थी, साथ ही आधी बोतल बियर हर दिन दी जाती थी। जैक ने लगातार 9 साल की नौकरी की दोस्तों। 9 साल के बाद दुखद पूर्वक उसको टीबी हो गया और उसकी मौत हो गई। दोस्तों जैक इस दुनिया का पहला और शायद आखिरी लंगूर होगा जिसने रेलवे में लगातार 9 साल तक सरकारी नौकरी की है। और यही कारण है दोस्तों कि जैक का सर ग्रामस टाउन के अल्बेनी म्यूजियम में आज भी दर्शनार्थ रखा हुआ है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। इस बार टारगेट करते हैं 1000 लाइक्स का। अब फटाफट से इस लाइक को कंप्लीट कर दीजिए यार, ताकि अगली वीडियो चैनल पर जल्दी अपलोड हो। गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन भी दी जाती थी। नहीं, रिटायरमेंट कर दिया पहले। माफ करिएगा।